अरे भाई लाडलो बधाई हो, तुम्हें पता भी है अपने लाडले ने एयर होस्टेस पटा ली, सॉरी सेट कर ली। वो पहले गौला भाई ने टाइटल में पटाली लिखा हुआ था ना, बाद में गौला भाई ने चेंज कर दिया, मतलब सेट कर ली लिख दिया, मतलब वैसे वाइब नहीं आ रही होगी ना, गौरव भाई का व्लॉग है वो। तो अब जब गौला भाई ने लिखा कि एयर होस्टेस सेट कर ली, भाई तब पता चल रहा है भाई गौरव जोन का व्लॉग देख रहे हो। मतलब जब तक थोड़ी बहुत खचरी वाइब ना है तब तक पता क्या चलेगा यार कि हम गौला भाई का व्लॉग देख रहे हैं। ओ सॉरी भाई, एयर होस्टेस भी नहीं, एयर होस्ट्रेस। भाई एयर होस्टेस क्या होती है? भाई एयर होस्ट्रेस होती है भाई। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रखा है लाडले को एयर होस्ट्रेस ने। भाई वैसे कुछ भी हो यार, लेकिन लाडला दिखा देता है कि भाई वो छठी फेल है यार। So guys, तो 3 दिन में जिस प्रॉपर्टी में मैं रह रहा हूँ वो इसमें रह रहा हूँ, और मेरा वो कच्चा वो सूख रहा, वो देखो दिख रहा हुआ तौलिया। ओहो, यहाँ पे कच्चा लटक रहा है गौरव भाई का, इसी वाले होटल में ठहरे हैं गौरव भाई। भाई अब पता चला मुझे, भाई ये तो गौरव भाई ने अपनी टेरिटरी बना दी भाई, जैसे कुत्ते मूत के अपनी टेरिटरी नहीं बनाते थे, वैसे गौरव भाई अपना कच्चा टांग का टेरिटरी बना रहे थे भाई की ये मेरी जगह है भाई। भाई हमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर व्यू थोड़ी ना देखने, भाई वो कौन देखता है भाई। हमें तो सुबह सुबह उठते के साथ ही गौरव भाई का कच्चा देखना था यार, मतलब भाई हम सबका दिन बन गया भाई गौरव भाई का कच्चा देख के, बता रहा हूँ भाई मैं। तो पहले गाड़ी पूरी गंदी हो रखी है, इसको साफ करते हैं। कैसा रहेगा, कैसा एक दिन में कितने बेच दे तो? आगे कहता शीला जीत ले लो आकाश के, आकाश कहता नहीं यार इसने लिए एक डिब्बी गाइस शीला जीत की। आए मेरी जान भाई, फुल शीला जीत वगैरह चल रही है भाई यहाँ पे। तो मतलब ये दोनों ना भाई झगड़े के बाद अपनी बुंड को, सॉरी अपने बॉन्ड को भाई स्ट्रॉन्ग करने आए मनाली के अंदर, तो शीला जीत तो लगेगी ना। याद है जब अपन जिम पेलते थे यार, पैदल पैदल आते थे, नहीं पैसे जिम के पैसे देने के नहीं होते थे, और आज तो मेरी नजरों से देख यार गाइस, लिटरली तुम व्लॉग में समझ नहीं सकते यार, मतलब क्या बताऊं। और एक वो दिन थे, और आज की डेट में सब कुछ है यार, बट वो दिन ज्यादा अच्छे थे यार, आज मजा नहीं है हर जिंदगी भाई। इसको देखकर ना इस समय कोई भी मनुष्य बता दे कि ना ये सारी बात ना ये बंदा नहीं बोल रहा है, इसकी देसी दारू के नशे बोल रहे हैं, क्योंकि भाई ऐसी बकचोदी ना इंसान देसी दारू के नशे में ही तोड़ता है। हिमाचली टोपी भाई क्यूट है, क्या नाम है इसका? भाई लड़कियों के पास जाती है, देख रहे हो कैसे चुप हो जाता है। मनाली घूमने आया? हाँ मनाली घूमने आई हूँ। तो यहाँ कैसे मनाली में? भाई अभी इस बंदे ने एक सेकंड पहले पूछा उस बंदे से कि मनाली घूमने आए, और उस बंदी ने भी बोला कि हाँ घूमने आई हूँ। उसके बाद ये बंदा फिर से पूछ रहा है कि हाँ मनाली में कैसे? तो यहाँ कैसे मनाली में? वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, 20-20 बार एक ही चीज पूछे क्या तू बंदों से? किसी बंगाली बाबा से भाई डंडा वंडा पड़वा ले यहाँ पे, क्या पता भाई थोड़ा तेरा वो मेमोरी लॉस ठीक हो जाए। बात बताओ यार, हमें ना भूख लग रही थी यहाँ। भाई यार लाडले को पिस ऑफ कर दिया यार बंदों ने, मनाली के बंदों ने यार लाडले की वीडियो के बीच में आ गए भाई साहब। भाई ये बात मैं मनाली के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, भाई तुम्हें पता होता नहीं है क्या, तुम बदमाश के सामने आ रहे हो। भाई दिल्ली खिंडा रखी है लाडले ने, तुम ये चाह रहे हो क्या भाई मनाली भी खिंडा दे? वो सिस्टम हैंग करवाएंगे ये लोग, और कुछ नहीं है भाई। भाई हमें भी आने वाले समय में मनाली मनाली घूमना यार, थोड़ा यार मत करवाओ यार, मनाली तबाह कर देगा वो बंदा अगर गुस्सा आ गया तो। भाई तुमसे जानते हो ना वन पंच मैन को, जो एक ही मुक्के में सब खत्म कर देता है भाई, लाडला अपना है वन टाट मैन, एक ही टाट मारेगा। अच्छा नहीं भाई तुम्हें? मेरा नाम है मैम गौरव, और गौरव जोन नाम से मेरा चैनल है। मैंने कभी देखा नहीं, मैं देखा नहीं। अच्छा आप खैर ऐसे अकेले रह गए जिसने देखा नहीं, बाकी पूरी दुनिया जानती है। भाई यार कैसी बंदी यार ये, मतलब भाई मतलब इसे पता ही नहीं गौरव भाई कौन है। भाई यार भाई सुबह सुबह मोदी जी भी ना भाई चाय के साथ गौरव भाई के व्लॉग्स एंजॉय करते हैं, और अपने ट्रंप भाई की तो भाई उतरती भी नहीं है गौरव भाई के व्लॉग्स देखे बिना। यार मतलब यार दुनिया जानती है गौरव भाई को, ये बंदी पता नहीं कहाँ रह रही थी पत्थर के नीचे। तो आप क्या करती हो? अच्छा एविएशन में, बहुत बढ़िया। ओ भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत बढ़िया, मतलब मुझे घंटे का नहीं पता कि एविएशन होती क्या है, लेकिन सुनने में कुछ हैवी सा वर्ड लग रहा है भाई, तो इसलिए ओ कर दो भाई साहब। भाई बहुत बढ़िया, डॉलर मत ले जाना इसको, कहीं प्लेन में ले जाओ तुम। अरे हाँ गौरव भाई वो तो एयर होस्टेस है ना, तो प्लेन तो साथ ही लेके चलती होगी अपनी जेब में, मतलब वो मॉल रोड पे खड़ा कर रखा होगा उसने प्लेन, है ना वहीं ले जाएगी वो, है ना। चार्जर वार्जर दे के मार दूंगा भाई इसकी टांट पे, चुप करा लो इसको। जलवा यार आपके तो बहुत सारे फैन है, आप कब बनोगी? जितना बड़ा मसीहा का चोचा बना है ना इस लड़की के सामने कि भाई फैंस नहीं फैमिली है हमारी, फैमिली है भाई। पिछले आधे घंटे से ये बंदे ना बच बच के घूम रहे हैं, भाई यार मैं तो परेशान हो गया यार, फालतू के बंदे मिले जा रहे हैं, फोटो वोटो खिंचा रहे, भाई यार निकलो यार यहाँ से, भाई यार निकलो भाई। भाई यहाँ पे इतने सब्सक्राइबर मिल रहे हैं भाई, दिमाग खराब हो गया मेरा, भाग ले भाई बहुत सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो इस बंदी के सामने कैसे गांधी जी का चौथा अवतार बन के दिखा रहा है, सॉरी फैंस नहीं फैमिली है वो हमारी। तो ना इसका नाम है पोटा कली जी, आकाश नाम है मेरे पास। अब याद आ रहा है करना। अब भाई उस बेचारी को क्या पता कि भाई ये चाय वाला अपने साथ ही है, उसे लग रहा था कि इतनी देर से कोई जेब कतरा इनका पीछा कर रहा है। उसने मैंने उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा था, तो एक हल्की सी फोटो में चला देता हूँ, लेकिन स्क्रीन पे आप देखना। चला भाई, भाई ये फोटो चला, भाई ये फोटो चलनी चाहिए अब।
ये चल नहीं रही है, एक जगह रुकी हुई है भाई। ये फोटो चला भाई, नहीं तो तेरा आज भूत बना दूंगा मैं। सुनाई नहीं दे रही क्या तेरे को? फोटो चला भाई, तू कह रहा था ना फोटो चलेगी। छोड़ो तो आइयो, अब हम देखेंगे गौर भाई की वही वाली वीडियो। कौन सी वाली वीडियो? अरे वही घातक वाली वीडियो। ये रहा जो लास्ट तक सरवाइव कर गया अपनी गाड़ी में 24 घंटे, जो सरवाइव कर गया, जो नहीं उतरा वो जीत जाएगा ये चैलेंज। भूख लग रही है बहुत जोर से। तेरे को भी भूख लग रही है? मुझे भी भूख लग रही है भाई। 15 मिनट में यार इनको भूख लग गई यार, बैठ गए 24 घंटे का चैलेंज करने के लिए। क्या ये हमारा राजू उस्ताद आ चुका है, खाना ले गया हमारा खाना, तो इसमें चटनी भाई खाना वाना भी आ रहा भाई इनके पास। तो यार ये तो बड़ा तगड़ा ही चैलेंज नहीं है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चैलेंज है यार। मुझे तो नहीं लगता भाई सर्वाइव कर पाएंगे भाई साहब। मजा आ रहा भाई 24 आवर्स इन न्यू धार करके, एक नंबर। आपको कैसा लगा? अच्छा ठीक है गौरव भाई, आपको तो मजा आ रहा है, लेकिन यार उस गरीब से ही पूछ लेते यार खाने के लिए, यार भूख तो उसे भी लग रही थी। ये भाई पहनना है मेरे को भाई। तुम्हें पता नहीं हगीज क्या होता है? क्या है हगीज? अरे हगीज क्या होता है पता है? काम करो केमिस्ट पे जाओ और 10-20 रुपए का हगीज आता है वो लेके आओ। 24 घंटे बट लीकेज हो जाएगी, सुसुआएगी तो उतरना पड़ेगा। अगर मैं उतरा तो हार जाऊंगा, तो तुम हगीज खरीद के लिए आओ जाओ। तो भाई यार अपने बदमाश की ना यार ये चीज मुझे पसंद है यार। मतलब बदमाशी दिखती है यार बंदे की, मतलब अलग ही चमकती हुई नजर आती है। तुम देखो भाई तुम चैलेंज कर रहे हो, अगर तुम्हें किसी से हेल्प चाहिए तुम किसी रिक्वेस्ट करोगे, प्यार से बोलोगे भाई ऐसा ऐसा सीन है यार, प्लीज भाई वहां से 2 हगीज दिलाओगे मेरे लिए। लेकिन अपना गौरव बदमाश को तो लगता है भाई उसकी गाड़ी के बाहर जितने भी लोग चलते हैं ना पैदल, वो है उसके पिताजी के नौकर। वो रिक्वेस्ट नहीं करते, वो बताते कि भाई ऐसा ये पकड़ 20 रुपए और 2 हगीज लिया वहां से चल। आगे 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 वो भाई यार वही सीन आने वाला है जिससे मेरे को ब्रेन हैमरेज फिर से हो सकता है। ये रहा हगीज और इसको पहनते हैं अपन। अभी भाई मैंने तो पहले हगीज ही डॉक्टर अब मैं हो गया हूं टेंशन फ्री। तेरे भाई जीत के रहेंगे, अब देखते हैं दोनों। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। करा दी भाई इस बंदे ने बदमोशी की यार, मट्टी पलेट करा दी भाई। मतलब मैं नहीं जानता भाई इसको। अब मैं आपको एक ले जा रहा हूँ एक हिडन प्लेस गुड़गांव में भाई। एक तो अपने बोधमास भाई को भाई हिडन प्लेसेस इतनी पता है ना, मतलब तुम्हें पता है लास्ट टाइम भी हमारे बोधमास भाई ने हमें हिडन प्लेस दिखाई थी, जहाँ पे मतलब वो मिक्का वगैरह और मतलब सेलिब्रिटीज वगैरह पार्टी वगैरह करने आते हैं ना। अब देखो आज फिर से हमें कोई हिडन प्लेस दिखाने जा रहा है बंदा। भाई यार मतलब गौरव भाई क्या मिट्टी विट्टी के नीचे रहते हो क्या तुम? इतनी सारी हिडन प्लेसेस पता है तुम्हें भाई? अभी हम सबको लग रही है पानी की प्यास। पानी किससे मंगाया यार, कोई तो देखो भाई ले आया पानी। इंसानियत है अभी, मैं मानता हूँ कुछ खचरे हैं अभी दुनिया में, बट यार मतलब यार दिल जीत लिया लाडले ने यार। मतलब अपने बारे में बंदा खुद ही बताया था, दूसरों को कष्ट नहीं करने देता। मतलब जब जब गौरव भाई शीशे में खड़े होकर अपने आप को देखते होंगे ना, गौरव भाई के मन से यही आवाज आती होगी, मैं मानता हूँ कुछ खचरे हैं अभी दुनिया में, बट देखो पीछे सो रहा है। तो फटाफट से हमने ली है स्प्राइट ली थी, रुको इसको खिलसा दूंगा। पानी की जगह इसको पिलाते हैं स्प्राइट ताकि ये बार बार सुसू जाए। भाई देखो तुम ना मानोगे नहीं, लेकिन साइंटिस्ट ना आज भी इस बंदे को ना मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है, इसका दिमाग डोनेट करने के लिए। क्योंकि भाई इसका दिमाग इतना ज्यादा तेज है ना, इतना ज्यादा तेज है, मतलब इतना ज्यादा विकसित बुद्धि है ये बंदा भाई। इसके दिमाग के जरिए ना साइंटिस्ट ना भाई सूरज पे भी रहने की जगह बना सकते हैं। मतलब तुम खुद देखा करो यार इस बंदे के दिमाग से कितने कैड़े आइडियाज आते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। सोचो तुम पानी में स्प्राइट मिला दो किसी की, तुमने सोचा था ऐसा? कभी नहीं सोचा था ना भाई यार। मतलब कोई कैसे सोच सकता है भाई इतना कुछ यार, कैसे? अगर यही चीज भाई मेरे जैसे किसी एवरेज बंदे को सोचनी होती ना, कम से कम भाई 100-150 साल कहीं नहीं गए थे ऐसा आइडिया दिमाग में आने के लिए। लेकिन गौरव भाई ने भाई मिंटा में भाई उस बंदे ने इतना रेवोल्यूशनरी आइडिया निकाल दिया कि पानी के अंदर स्प्राइट मिला दो और पिला दो, और लाडले को पता भी नहीं चलेगा कि वो पानी की जगह स्प्राइट पी रहा। बूथ पर जाए और बच्चे को दवा पिला। चल एक चीज बताओ तेरे को, ये पानी नहीं स्प्राइट थी। यार पागल हो क्या तुम? भाई जब अपने गौरव भाई इतने ज्यादा एक्साइटेड हुए ना इसमें ये बोल के कि इसमें पानी नहीं स्प्राइट थी, एक एस बाबू को ना एक पैसे का भी घंटे का फर्क नहीं पड़ा कि उसमें पानी था या स्प्राइट था। नहीं स्प्राइट थी। लेकिन भाई कट लगते के साथ ही अपने एक एस बाबू की तीसरी आंख खुल गई। भाई पागल वागल हो गया भाई तुम, पागल वागल हो गया। नहीं स्प्राइट थी। मैं यार पागल हो क्या तुम? मतलब भाई 5 रुपए वाली नकली एक्टिंग का नशा हो चुका है इन बंदों को भाई, अब नहीं छूट सकती इनसे। मेरे यहाँ पैर में घुसेड़ दिए। पैराटा क्या है भाई? मतलब यार आंटी ने भी कैसे दुत्कारा इस बंदे को। पैराटा चल अपने पैराटा क्या? मतलब भाई मुझे लग रहा है किराए वराए पे तो नहीं लाए बंदे इसको भाई। भाई मतलब वो बात किसी ने सही कही है भाई कि चाहे तुम कितने भी बड़े बदमाश बन जाओ, लेकिन तुम अपनी मम्मी के सामने ना एक फटे पुराने पोछे की तरह ही रहोगे। ठंडे ठंडे पानी से मजा आ गया।
तो पानी डालो ला। मेरी आंख नहीं खुली। हाय हाय भाई क्या क्या दिखा रहा है ये बंदा हमको। ये वीडियो इसके ऊपर नहीं दिखी। ये बंदा ये सर्वाइव कर सकता है चैलेंज ये नहीं कर सकता। ये वीडियो ना हमारे लिए एक चैलेंज थी कि हम लोग ये वीडियो देख के सर्वाइव कर सकते हैं नहीं कर सकते। और मुझे लगता कि मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मुझे अभी तक 4-5 तरह की बीमारियां तो हो चुकी है। तो भाई आज की वीडियो में इतना होप करता हूं तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या अच्छी नहीं लगी? ओ भाई कम बोलो जरा, ठीक है ना। पानी के अंदर स्प्राइट मिला के पिला दूंगा तुम्हें और उसके बाद सुसु करवा दूंगा फिर मिनटा से पहले। अगर अच्छी नहीं भी लगी ना फिर भी इज्जत से लाइक कर दो अगर तुम पानी की जगह स्प्राइट नहीं पीना चाहते तो। एंड हाँ, अगर आपके पास ओपिनियन है तो आप सोशल मीडिया गली मोहल्ले नुक्कड़ पे मत दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है तो वहाँ पे जाके प्रोमो ऐप डाउनलोड कीजिए और 25 रुपए तक का वेलकम बोनस पाइए। बखेड़े पर आज जरूरत थी गलत नहीं होने देना सिखा मैं मेरे गांव के खेड़े मेरे तैन गवारों की हरकतें ना झिड़के।